ठीक है। देखिएगा ये जो आपका चैप्टर है समास और समास, अब शुरुआत कर रहे हैं, पार्ट वीडियो का पार्ट वन है। ध्यान रखिएगा ये जो समास है, इस समास को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड, कंपाउंड ये समास। और समास आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसमें से एक प्रश्न दो प्रश्न हमेशा पुटअप किया जाता है। हम आपको बताते भी चलेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ कहाँ पुटअप किया गया, हम आप सब डाटा बताते चलेंगे, तीन चार साल पाँच साल तक का डाटा बताते चलेंगे किस परीक्षा में कहाँ कहाँ आपको प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा समास, समास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है कंपाउंड। देखिए जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, जैसे सपोज करिए हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, अब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। बातें हमारे दिमाग में क्या पनपती हैं कि कंप्यूटर क्या है ना, हम सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहा गया है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर का पिता अगर सर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है तो मिस्टर सर चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर में ऐसी कौन सी क्रांति लाए जिसके कारण मिस्टर सर चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, हमको नहीं कहा जाता है, आपको नहीं कहा जाता है, हमारे पिताजी भी जानकार हैं कंप्यूटर के बारे में, उनको क्यों नहीं कहा गया ना। बहुत सारे क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बहुत सारे प्रश्न भी और भी पनपते हैं कि क्या जो बैंक में कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो हम घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं, जो होटलों में कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो रेलवे में कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो बैंक में कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो एयरलाइंस में कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो वैज्ञानिक लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या सारा कंप्यूटर एक ही है या सारे कंप्यूटर अलग अलग है ना, बातें आती है। इसी तरीके से पहले हम ये जानेंगे कि समास क्या है, समास की क्या शाब्दिक अर्थ होता है, क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है समास का वह क्या होता है, संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप किसी को आप कह सकते हैं छोटा करना या इसी आप कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। क्या कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण। लिखिए मत भाई, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, लिखिए मत, लिखेंगे अभी हम आप सब लिखवा देंगे, पॉइंट पॉइंट जहां कहेंगे आप सर यहां लिखवा दीजिए मैं सब लिखवा दूंगा, लेकिन बोर्ड में समझिए, समझने की बात है। देखिएगा समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बहुत कई बार कमेंट लड़कियों ने किया है कि सर बड़ा बड़ा लिखा करिए, स्पष्ट नहीं होता है। अब मैं प्रयास करता हूँ ज़्यादा बड़ा सा बड़ा लिखूँ ताकि आपको समझ में आए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। देखिएगा तो जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, संक्षेप करना। संक्षेप को कह सकते हैं छोटा करना, कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। जरा ध्यान रखिएगा कि छोटा करना, देखिए ये कुछ प्रश्न आपका अभी पूछा है जो विगत में आपका टीडी कॉलेज का एलएलबी का एंट्रेंस हुआ था, उसमें पूछा था समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, संक्षेप करना ना। लेकिन अब देखिए, अब इसके शाब्दिक अर्थ से ही आप समझिए, हाँ, क्योंकि शाब्दिक अर्थ अगर आप समझ गए तो काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ा आसान हो जाता है। अब हमने कहा कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना, तो संक्षेप होता किसका है, हाँ, किसका संक्षेप होता है, एक बड़े से वाक्य का। जब एक बड़े से वाक्य को जब हम छोटे में लिखते हैं, यही जो छोटे में हम कहते हैं वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। देखिए जैसे लिखें गाय के लिए शाला, देख रहे हैं ना, करें गाय के लिए शाला, शाला माने होता है घर ना। जैसे हम लिखें चिड़ियों को मारने वाला, देख रहे हैं ना। अब कहते हैं गाय के लिए शाला, उसे में क्या लिख सकते हैं, गोशाला, क्या लिखेंगे, गोशाला। फिर हम कह रहे हैं कि चिड़ियों को मारने वाला, इसी हम लिख सकते हैं चिड़ी मार। हम लिखें राजा का कुत्ते, देख रहे हैं, यह आपको बड़ा सा वाक्य है, हमने इसको क्या लिखा, राजपुत्र। देखिए हमने कहा कि समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, संक्षेप करना। संक्षेप होता किसका है, एक बड़े से वाक्य का। जब एक बड़े से वाक्य को जब हम छोटे में लिखते हैं, जो छोटे में लिखते हैं वो छोटा वाला ही हमारा क्या होता है, समास होता है। नहीं बता ध्यान की, देखिए ये बड़ा सा वाक्य है ना, अब बड़े से वाक्य को जब हमने छोटे में लिख दिया, जो छोटे में हमने लिखा यही छोटा वाला हमारा क्या है, समास है।
देखिए एक बड़ा सा वाक्य है, बड़े से वाक्य को जब हमने छोटे में व्यक्त कर दिया, यही क्या है? समास है। एक बड़ा सा वाक्य था, बड़े से वाक्य को जब हमने छोटे में लिख दिया तो छोटा वाला ही क्या है? समास। ना संक्षेप हुआ नहीं? ये वाक्य का संक्षेप हुआ, वाक्यों का संक्षेप हुआ, वाक्य का संक्षेप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ संक्षेप? तो यही है आपका कि जब बड़े से वाक्य को, एक बड़े से वाक्य को जब हम छोटे में व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाता है? समास। अब ये हमारा क्या है? समास। ये हमारे क्या है? समास। ये देखिए सब क्या है, यही हमारा क्या है? समास, समास है। कथन हुआ। अब अगर हमें आपको परिभाषा देना हो, चलिए अब अगर हमें आपको समास की परिभाषा देना हो कि समास कहा किसे जाता है ना, परिभाषा, क्योंकि इस टाइम बहुत टीए का पेपर हुआ है अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संबंधित है, तो उसमें बहुत सारी परिभाषा पूछा गया था, सब परिभाषा ही परिभाषा को पूछ दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं कि सम कि इसकी परिभाषा, अब अगर हम समास की परिभाषा दें तो देखिए परिभाषा रटना नहीं है, और ना तो मैं लड़कों को भी रटवाता हूँ, रटना नहीं। देखिए ये कह एक शब्द है, देख रहे हैं नहीं, शब्द है, शब्द है, शब्द है, सब शब्द है नहीं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसी नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास। नहीं कर पाऊंगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसी नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल जो एक नया शब्द बना उसी नए शब्द को हम क्या कहते हैं? कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हो गया। बस ये रटना नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे। अभी फिर से एक बार जीरोस देखिए, हमने आपको बताया समास, समास को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड, कंपाउंड का अर्थ ही होता है संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण करना। इस प्रकार से समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप करना, छोटा करना और संक्षिप्तीकरण करना, कोई भी कह सकते हैं आप। हमने बताया कि छोटा किसका होता है? एक बड़े से वाक्य का। जब एक बड़े से वाक्य को जब हम छोटे में व्यक्त करते हैं जो छोटा वाला होता है यही हमारा क्या होता है? समास होता है। कर्म होगा। हमने बताया कि अगर इस पर आपको परिभाषा देना हो तो आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उस नए शब्द को ही हम क्या नाम देते हैं? समास। समास। कर्म होगा। चलिए अब देखिए, अब समास की है, इसमें आप देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, समास में देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट। देखिए पॉइंट क्या होता है कि देखिए एक होता है समस्त पद, समस्त पद, आप समस्त पद के बारे में पहले समझिए। समस्त पद इसी कहा जाता है समस्त शब्द, इसे दो तीन नाम जाना है, समस्त पद या कह दीजिए सामासिक पद, सामासिक पद, इसे कई नामों जाना है, इसे समस्त पद भी कहा जाता है, समस्त शब्द भी कहा जाता है, सामासिक पद भी कहा जाता है। अब पहले समस्त पद के बारे में समझिए, समस्त पद है क्या? समस्त पद युवा है जो समास के नियमों से बनता है। एक समास के नियम से बना है ये, जो समास के नियमों से बनता है वो समास के नियमों से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं अगर नहीं कह हो रहा है, ये जो देखिए यही यही हमारे क्या है? समस्त पद है। ये समास के नियमों से बने हुए हैं, समास के नियमों से बने होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। कन्फर्म हुआ। एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, दूसरा बात है क्या है, कोई भी समास होगा, चाहे जो समास होगा आपके, प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? समास में प्रायः दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। अब ध्यान रखिए, समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, कौन कौन से दो पद हैं? देखिए लेकिन इस पर आप समझिए, दो पद होते हैं, पहला जो पद होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद होता है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। ध्यान रखिए, जितना समास है, अब देखिए समास में दो पद है, हमने बताया समास जो भी कोई समास होगा समास में कितने पद होंगे? दो पद, दो पद। समास में कितने पद होंगे? दो पद, ठीक है। ध्यान रखिए, हम आपको क्या बता रहे थे, जो भी समास होगा प्रत्येक समास में पद कितने होंगे? दो पद। पहला वाला जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला वाले पद को पूर्व पद, पूर्व माने होता है प्रथम पद भी कह सकते हैं आप, जो प्रथम पद भी कह सकते हैं, पहला पद भी कह सकते हैं, हाँ। और जो बाद वाला पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं, या द्वितीय पद कहते हैं, या बाद वाला पद, जो भी आप कह सकते हैं ना। देखिए जो भी समास, देखिए इसमें दो पद है, एक है आपका गो और दूसरा आपका क्या है? अब इसमें कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है? वो हमारा जो जो पहले आएगा वो हमारा पूर्व पद, और जो बाद में आएगा वो हमारा क्या होगा?
क्योंकि पूरे समास में यही कहानी चलेगी, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। तो अब पूर्व पद उत्तर पद है क्या, इसको समझिए। पूर्व पद क्या है, जो पहले वाला पद है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व पूर्व पद। देखिए ये क्या है हमारा, वो पहले है, ये कौन सा है, वो कैसा है, पूर्व पद। बाद में क्या है, शाला, शाला कौन सा पद है, ये उत्तर पद। अब इसमें कौन सा पद है, तो चिड़ी हमारा कैसा पद है, पूर्व पद। और मार कैसा पद है, उत्तर पद। इसमें राज कैसा है, ये कैसा पद है, उत्तर पद। तो समास में हमने बताया कि समास में दो पद होते हैं, कोई भी समास होगा उसमें पद कितने होंगे, दो पद। कितने पद होंगे, दो पद, पहला वाला पूर्व पद और जो बाद वाला पद होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर पद। ये बात कन्फर्म हो गई है, ये कन्फर्म हुआ। अब देखिए इसके बाद आप देखिए इसमें होता क्या, ठीक है। समास में एक चीज और होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, समास में एक चीज और होता है, समास में होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह। समास में होता क्या है, विग्रह होता है। विग्रह का क्या अर्थ होता है, विग्रह का जो अर्थ होता है ये होता है तोड़ना या अलग करना। क्या होता है, तोड़ना या अलग करना। अब तोड़ना या अलग करना, तोड़ना अलग करना, ये होता है कि समास के नियमों से जो पद बना हो, ये समास के नियमों से बना हुआ है, समास के नियमों से जो पद बना होगा उसको अगर हम पहली वाली स्थिति में ला देंगे, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, समास विग्रह। नहीं समझ रहे हैं, कोई भी पद होगा, जैसे हम कह दें, जैसे कह दें रसोई घर, रसोई। देखिए ये तो छोटा है, छोटा है, इसमें है क्या, समास है, क्या है, समास है, ये समास है, समस समास है, इसे आप समस्त पद भी कह सकते हैं, समासिक पद भी कह सकते हैं, समस्त पद भी कह सकते हैं। देखिए ये समास के नियमों से बना है, अब इस समास के नियमों से बने पद उसको पहली वाली अवस्था में ला दें, लिखेंगे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर कह दिए, देखिए अब यही हमारा क्या रहा, विग्रह। नहीं समझ रहे हैं, कन्फर्म हुआ, विग्रह होता क्या है, विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना। समास के नियमों से जो पद बना हो उस पद को उसके पहली वाली स्थिति में ला दीजिए, जो पहले वाली स्थिति में ला देंगे वही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। कन्फर्म हुआ, सबका कन्फर्म हो गया। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा समास के प्रकार, ये है आपका। अब आगे टॉपिक जो है, आगे चलिए नेक्स्ट पे, कहते हैं समास के प्रकार, समास के प्रकार। यह समास जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार का होता है। कथन हुआ, देखिए छह प्रकार कौन कौन से हैं, तो जो पहला समास है वह है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। जो दूसरा समास है आपका, दूसरा वाला, उसका नाम है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जो तीसरा है आपका, इसका नाम है कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय। जो चौथा वाला है आपका, इसे कहा जाता है द्वंद्व समास। जो पांचवा है इसे कहा जाता है द्विग समास। जो आपका छठवा है इसका नाम है बहुव्रीहि समास। कन्फर्म हुआ, ये सबको एकदम रट्टा रटाया होना चाहिए भाई, जुबान को होना चाहिए। समास छह प्रकार, और ये कौन कौन से प्रकार हैं, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विग समास और बहुव्रीहि समास। कथन हुआ, ये आपको ये एकदम जुबानी एकदम रटा रटाया होना चाहिए। देखिए आपको कानून गो का पेपर परीक्षा में कैसे पूछा था, जो विगत में कानून गो का पेपर हुआ था, वो उसमें पूछा क्या था कि कर, नीचे का ये चारों दे दिया था,
नीचे का चारों ऑप्शन दिया था वो किया क्या था कि कर्म का कर्मधारय की जगह पे कर्मकारक समास लिख दिया था। क्या लिख दिया था? कर्मकारक समास। पूछा था, पूछ रहा था कि कौन सा समास नहीं है, तो कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास नहीं है। कन्फर्म हुआ? तो इसको सबको जो है एकदम रटा रटाया होना चाहिए, समास एवं उसके प्रकार। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म भैया, ये एकदम रटा रटाया होना चाहिए। अब हम इसमें आगे चलेंगे, एक एक को पढ़ेंगे समास। मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि आपके समास एक भी गलत नहीं होगा। जो हमारे ऑफलाइन जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अगर कोई समस्या कहीं से किसी प्रकार की होती है तो अपना कमेंट करके हमें बताएंगे, मैं और बेहतर करूँगा। देखिए एक एक को अब हम पढ़ेंगे, इसमें से एक एक को हम पढ़ेंगे। पहला क्या नाम आता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, पहले आप अव्ययी भाव समास के बारे में समझिए कि अव्ययी भाव, बोर्ड पर देखिए भाई, नहीं समझ में आएगा बोर्ड पर देखो सीधा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पहले समझिए, अव्ययी भाव समास कहा किसे जाता है ना। वैसे तो हम आपको ट्रिक बता देंगे अभी, आप गलत ही नहीं होगा, सीधा ट्रिक से बता देंगे, गलत करता ही नहीं होगा, लेकिन आप उसको समझिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा आपका कभी कभार लिखित भी हो सकता है भाई, छात्र बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, एक फार्म के पीछे 10-10, 20-20 हज़ार फार्म पड़ जा रहा है, तो अगर सबको छाटना होगा, अब क्यों मलाईदार लोग चाहिए, चाहेंगे उनको मलाईदार शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो अब मलाईदार लोग अब चाहिए उनको भाई, दूध नहीं चाहिए अब किसी को, अब दूध का मलाई चाहिए। अब मलाई चाहिए तो आप उस तरीके से आप स्टडी करिए, उस तरीके से आप डटे रहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, समझ रहे नहीं? तो आप वो ट्रिक चला गया, अब ट्रिक तो आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको ट्रिक्स बता देते हैं। देखिए अव्ययी भाव जो समास है क्या है, अव्ययी भाव समास में होता है जो पहला पद होता है, या आप कह सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद ये होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय या प्रधान, अव्यय या प्रधान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। नहीं कन्फर्म हुआ? आप अगर अव्ययी भाव समास के वो परिभाषा देना हो, अव्ययी भाव समास कहाँ किसे जाता है, तो आप बताइएगा जिस समास का, ध्यान रखिए, जिस समास का प्रथम पद, प्रथम पद समझ रहे हैं, पहला वाला पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, क्या हो? अव्यय और प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। नहीं कन्फर्म हुआ? सीधा कहिए, जिस समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। कन्फर्म हुआ? अब ध्यान रखिए, अब यहाँ बात आता है अव्यय का ना? अब अव्यय क्या है? बड़ी समस्या तो ये है, अव्यय क्या है? देखिए अव्यय को पहले तोड़िए। वैसे आपका अव्यय जो है एक चैप्टर है ना, लेकिन यहाँ अव्यय आ गया है, तो आप अव्यय के संबंध में समझिए अव्यय क्या है। देखिए ये लिखा है अव्यय, क्या लिखा है? अ देख रहे हैं नहीं? तो अ का अर्थ होता है नहीं, हिंदी में अगर अ लग जाता है कहीं पे तो उसका मतलब क्या क्या समझा जाता है, उसे उसे का मतलब नहीं समझा जाता है। तो व्यय माने क्या होता है? देख रहे हैं नहीं? तो सीधा सीधा कह दिया कि जिसका खर्च न हो, जिसका खर्च न हो वही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। कन्फर्म हुआ? अर्थात कहीं जिन शब्दों का लिंग वचन कार्य का अनुसार जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविचारी शब्द भी कह सकते हैं। कन्फर्म हुआ? तो ये अव्यय शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो सबके साथ प्रयुक्त होता है, उसका खर्च नहीं होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। नहीं कन्फर्म हुआ? जैसे देखिए, जैसे एक आपका है यथा, ये शब्द कैसा है? अव्यय है। शब्द कैसा है? अव्यय। अब ये अव्यय है, ये किसी के साथ जोड़ सकते हैं इसको, इस अव्यय यथा को हम किसी के साथ जोड़, जैसे कह दें यथा, हाँ यथाशक्ति, देख रहे नहीं? यथाशक्ति। अब चाहे जैसा पद हो, अगर प्रथम पद हमारा क्या मिला? अव्यय,
अब ये मिल गया कि कैसा शब्द अव्यय के यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कथन हुआ जैसे कहें यथाविद, यथाविद। अब कह देंगे यथाविद में कौन सा समास है, तो यथाविद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। कैसे पता पाएं, कैसे पता पाएं कि इसमें आपका जो है अव्ययीभाव समास है, कोई बताइए कारण। प्रथम पद क्या है? अव्यय है। प्रथम पद अव्यय है, प्रथम पद अव्यय होने के कारण ही हमने इसको क्या कह दिया? अव्ययीभाव समास। कंफर्म हुआ। जैसे आपके डायट प्रवक्ता ने एक शब्द पूछा था यथेष्ट है, यथेष्ट है। आप अगर कह दें यथेष्ट में कौन सा समास है, कहां यथा इसमें लगा है? नहीं लगा है, दिखाई हमें नहीं दे रहा है। इसको आप क्या करेंगे, इसको तोड़ा गया, तोड़ा जाएगा विच्छेद, क्योंकि एक चीज देखिए एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम हमने संधि नहीं बताया, इसलिए क्योंकि एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि हम आपको 100% सर्टिफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी हमें चाहिए। देखिए अब ये तोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, यथा। देखिए यथा जब भी टूटेगा, यथा प्लस जब भी ये टूटेगा किसमें टूटेगा, यथा में टूटेगा। नहीं समझ रहे हैं, यथा में जब यथा प्रथम पद नियम में क्या मिल गया, यथा आपका ये अव्यय है, जब अव्यय है ये समास का आंसर रहा। कन्फर्म हुआ? नहीं समझ में क्या नहीं है? अरे ये कह रहे हैं कि यथेष्ट में कौन सा समास है, यथे नहीं होगा, ये संधि का नियम है। आप संधि नहीं पढ़े सर जी, ये संधि का नियम है कि जब आ के बाद ई आता है तो वह परिवर्तन किसमें हो जाता है, ए में हो जाता है। ये के बाद जब ई आता है तो परिवर्तन में क्या हो जाता है, ए में बदल जाता है। ये संधि का नियम है और वही नियम यहाँ पे प्रयोग, ये गुण संधि का नियम है और वही संधि का नियम यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आपको पूछा गया था यथेष्ट में कौन सी संधि है, यथेष्ट में संधि कौन सी है, अव्ययी भाव संधि कह रहे हैं, संधि बता दिए। अच्छा, इसमें गुण संधि है और अगर समास कहा जाए तो कौन सा समास है, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा आपको, जब आप तोड़ देंगे निश्चित रूप से आप बता भी सकते हैं कौन सा। ठीक है, अब देखिए पहली चीज हुआ। अब देखिए इसका सीधा अगर थोड़ा सा ट्रिक देख लें, ट्रिक में देखिएगा आपको सीधा इसकी पहचान में देख लीजिएगा, पहचान हम कैसे करते हैं। पहचान अगर कोई सामासिक पद अगर कहे तो आप समझ रहे हैं सामासिक पद किसे कहा जाता है, वही जो समास होता है उसी हम क्या कहते हैं, सामासिक पद, समस्त पद, सामासिक शब्द। कि कोई भी समास हो अगर समास के पहले, किसी भी सामासिक पद के पहले या किसी समास के पहले आपको क्या क्या चीज दिखाई दे, आपको दिखाई दे प्रति दे धर यथा या एक ही शब्द दो बार, एक ही शब्द दो बार, एक ही शब्द अगर दो बार आ जाता है तो वहां पे समास कौन सा हो जाता है, 100%। जैसे कह दें, जैसे कहें धीरे धीरे, आप बता दें धीरे धीरे में कौन सा समास है, देवो समास ना। जैसे आप उत्तराखंड में आपको पूछा था, एक पंक्ति लिखा था कि गाड़ी चलती घर घर घर, कभी इधर तो कभी उधर, झरना झरता झरझर झर, कभी इधर तो कभी उधर, झंडा फहरे फर फर फर, कभी इधर तो कभी उधर। तो वही कह रहे हैं गाड़ी चलती घर घर घर, घर घर। अब कह रहे हैं घर 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 में कौन सा है, कैसे पता पाए, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो गई। जैसे कह दें चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, टहलते टहलते, नाचते नाचते, दौड़ते दौड़ते, सब में समास कौन सा है, कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। कन्फर्म हुआ। एक ही शब्द अगर दो बार आ जाए तो आप आंख बंद करके बता दिए कौन सा समास है, कौन सा है, अव्ययीभाव। कन्फर्म हुआ। चलो कह रहे हैं यथा, हमने अभी आपको बताया कि यथाशक्ति, क्या बताया भाई, यथाशक्ति। कोई भी आपको दिखाई दे, कोई भी शब्द दिखाई दे, यथाशक्ति आपको दिखाई दिया, आप बता दिए यथा दिखाई दिया, अब क्या हो गया, जैसे कह दें भर पेट,
ठीक है। नहीं अब जो लोगे तो ये होगा पेट भर, पेट भर के तो भर आपको दिखाई दिया, भर आपको दिखाई दिया क्या है? बेकार समान। जैसे कहें बेकार, बेकार, बेलाख, बेलाख। अब इसमें समास कौन सा है? बेकार, बेलाख, बिना लाख के। ऐसे तरीके से आपको दिखाई दिया, जैसे प्रत्येक है, देखिए कह रहे हैं प्रतिफल, समास कौन सा है? कह रहे हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में पूछ दे प्रतिदिन में समास कौन सा, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कन्फर्म हुआ? जैसे कह दे प्रतिफल में कौन सा है? जैसे कहें प्रत्येक, यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक, अब कहा जाए प्रत्येक में कौन सा समास है, तो प्रत्येक में कौन सा समास है? कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अब ने प्र आपको दिखाई दिया, बता दिए कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। और अगर इसको तोड़ेंगे, संधि करेंगे, क्या होगा? प्रति और धन एक, प्रतिधन एक, प्रति आपको दिखाई दिया, अब भी कौन सा समास है? जैसे कह दें, जैसे कह दें आजन, आ दिखाई दिया, समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कहा किसे जाता है, तो आप इसको परिभाषित करें, जिस समास का पहला पद या प्रथम पद अव्ययी या प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। कन्फर्म हुआ? हमने अव्यय बताया, अव्यय किसे कहता है, तो हमने बताया क्या का अर्थ होता है नहीं, अव्यय का होता है खर्च करना, जिसका खर्च न हो, जो सदा एक सा बना रहे वही हमारा क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। हमने बताया सीधा सीधा इसमें पहचान बताया, कोई भी शब्द दिखाई दे आपको, जैसे अनु भी है, अनु यदि कहने अनुरूप, रूप के अनुसार अनु, अनुरूप। अब अनु दिखाई दिया क्या है? अव्यय भाव समास। तो आप इतना चीज अगर आप ध्यान रख करके रखे हैं तो सामान्य रूप से जो भी परीक्षा होता है लगभग लगभग इतने पास जाता है, ठीक है, 99%। तो आप क्या है आप प्रति बे भर यथा या एक ही शब्द दो बार आए वहां पे समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। कन्फर्म होगा? कन्फर्म हो जाए आप लोगों का। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरे का नाम है तत्पुरुष समास, थोड़ा लंबा, इसे तत्पुरुष समास को एक दिन का एक वीडियो अलग से बनाएं ताकि दिख समस्या में दिक्कत ना हो, ठीक। पढ़ते हैं कर्म धारे, कर्म धारे समास। पहले आप कर्म धारे समास के बारे में समझिएगा, कर्म धारे समास क्या है, क्या है कर्म धारे समास? तो कर्म धारे समास जिस समास का, ध्यान रखिए, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद माने बाद वाला पद, जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। प्रथम हुआ, और दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच क्या क्या हो? दोनों पदों के बीच होगा क्या? उपमेय उपमान का संबंध, क्या रिलेशन होगा? उपमेय उपमान का संबंध होगा, या क्या होगा? विशेषण विशेष का संबंध। वहां पे समास कौन सा हो रही है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का किसे जाता है? परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, और प्रथम पद और उत्तर पद अर्थात दोनों पदों के बीच संबंध क्या होगा? उन दोनों उपमेय उपमान का संबंध हो या विशेषण विशेष का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध होगा तब भी समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। विशेषण विशेष का संबंध होगा तब भी समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। लेकिन अब बात ये फंसती है, उपमेय किसे कहा जाता है, उपमान किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है, विशेष किसे कहा जाता है? तो आप बारी बारी से एक एक चीज को देखिए, पहला क्या है? उपमेय। क्या भैया? उपमेय। उपमेय किसे कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी
तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह क्या होगा? मैं। जैसे मेरी तुलना कर रहे हैं तो मैं क्या हूँ? मैं। दूसरा उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वह क्या कहलाता है? उपमान। कंफर्म अब देखिए, इधर देखिए भाई, बोर्ड पर देखिए, इधर जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जाए वह क्या कहलाता है? उपमेय। और जिसके साथ तुलना की जाए वह क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। बात स्पष्ट हुआ? देखिए तुलना करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? दो लोग। जरूरत कितनी पड़ेगी भाई? मेरी तुलना कर रहे हैं तो आप किसी से तुलना करेंगे तब भी होगा ना। आप कह दें कि आप राम की तरह लंबे हैं, मेरी तुलना की है किसी से? कह दें मोहन की तरह आप गोरे हैं, श्याम की तरह आप सांवले हैं ना। तो जब तुलना किया गया, जो तुलना अगर किया जाता है तो वहाँ पे समास कौन सा होता है? समास कौन सा होता है? कर्मधारय। कन्फर्म हुआ? जैसे कह दें, जैसे कह दें, कहें चंद्रमुख। हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं कि मुख जो है किसकी तुलना की जा रही है? किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। तो मुख यहाँ पे आपका क्या है? क्या है? उपमेय। अब किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो चंद्रमा से कर रहे हैं तो ये क्या हुआ आपका? आप अच्छे समझ रहे हैं नहीं? मुख क्या है? उपमेय। और चंद्र क्या है? उपमान। तो अब देखिए इसमें दोनों रिलेशन हुआ कि नहीं? किसका किसका रिलेशन हुआ? उपमेय और नहीं कर पाऊंगा। तो जहाँ उपमेय उपमान आप पूछते अगर चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कैसे बताएं? कर्मधारय समास इस आधार पे है कि इसमें उपमेय और उपमान का क्या है? रिलेशन है। उपमेय उपमान है, समानता है। नहीं समझ रहे हैं? कन्फर्म हुआ? जैसे कह दें, जैसे कहें कनक लता। अब देखिए कह रहे कनक के समान इसकी तुलना की जा रही है? लता की। और कैसे कहते हैं? तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? नहीं कर पाऊंगा। आप कह दें कनक लता में कौन सा है? कौन सा है? कन्फर्म हुआ? वैसे देखिए आप यहाँ थोड़ा आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उपमेय उपमान की तुलना जो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जो इस समय जो साहित्यकार हो रहे हैं, जो कवि हो रहे हैं, वो इसकी तुलना जो है, अब जो अपनी नायिका की पहले तुलना करते थे लोग, अपनी नायिका की तुलना जो चंद्रमा से कहते थे, अब अपनी नायिका की तुलना चंद्रमा से ही कहना जो है अनुचित समझा जाएगा। कैसे समझा जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिए, एक तो गाना बहुत फेमस आया था कहता चाँद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, बहुत फेमस था, उस समय चलता भी था ना। तो अगर इस पे उस प्रयोग की कसौटी पर सिर्फ देखा जाए, कहते कि चाँद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, यही कहें भाई एक नायक अपनी नायिका के प्रति कहता है कि तुम्हारा चेहरा वहाँ नजर आए। कहाँ पर नजर आए? चाँद और तारों में, चाँद और तारों में नजर आए चेहरा। लेकिन अगर इस पे देखा जाए, आज मानव चंद्रमा पे पहुँच चुका है, भाई गाना तो बड़ा फेमस था, लेकिन आज मानव चंद्रमा पे पहुँच चुका है और चंद्रमा का जायजा लिया, चंद्रमा का तो देखा गया, वहाँ का जांच पड़ताल की गई, तो चंद्रमा पे है क्या? चंद्रमा पे है उबड़ावड़, कंकड़ पत्थर, जल विहीन, वायु विहीन, पूरा का पूरा क्या है? निरस्ता। क्या है? निरस्ता। अगर यही गाना अगर अब कह दिया जाए कि चांद तारों नजर आए, करें ए नायिका, हाँ ए प्रियतम, तुम्हारा चेहरा वहाँ नजर आए, कहाँ? जहाँ उबड़ावड़ हो, कंकड़ पत्थर हो, जल विहीन हो, वायु विहीन हो, कुछ निरस्ता ही निरस्ता हो, कैसा महसूस होगा? एक भी बाल नहीं बचेगा सर का, एक भी बाल नहीं बचेगा। हाँ, तो अब इससे तुलना नहीं किया जाता। इसे प्रयोगवादी जो कभी आते हैं, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, प्रयोगवादी कभी कहते हैं कि ये जो उपमान में उपमान है ये पुराने हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं। अब कोई नायक अपनी नायिका की तुलना चंद्रमा से नहीं करता। अब कहते हैं हरी बिचली घास, कहते हैं हरी बिचली घास, कहते हैं
कलगी बाजरे की कहते हैं, अलसी से करते हैं कि कमर की है लचीली, अलसी से करते हैं अपनी नायिका की तुलना, अपना की किसे करते हैं कंफर्म होगा। तो ये रिलेशन अगर आपको, हमारा कहने का आशय कि अगर आप कहीं से उपमेय उपमान का रिलेशन आपको मिल जाए ना, आप बंद करके कौन सा समाज बता देंगे, कंफर्म होगा। दूसरा देखिए, एक है आपका विशेषण, क्या है विशेषण, विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, विशेषण मतलब जो विशेषता को बताता है, जो विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण। नहीं कंफर्म होगा, जो विशेषता को बताता है, देखिए हमसे कहते हैं जो विशेषता को बताता है, जो विशेषता को बताता है वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा, विशेष। कंफर्म होगा, कंफर्म होगा। अब विशेषण विशेष में ज्यादा मत समझिए, आपको पूरा एक टॉपिक है विशेषण विशेष ध्यान के, लेकिन आप यहाँ पे विशेषण विशेष का मतलब यही समझिएगा, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता को, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता। कंफर्म होगा। जैसे हम कहते हैं आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं तो आपकी विशेषता बताई गई, तो आप क्या हैं, और आपकी विशेषता सुंदर जो है आपकी विशेषता को बताया, तो सुंदर क्या है, विशेषण। कंफर्म होगा। जैसे कहें मोटा लड़का, कहना करें कि मोटा लड़का हंस पड़ा, केवल आप कितना समास हमारा यहाँ है, करें कि मोटा लड़का हंस पड़ा। अब देखिए आपको विशेषण, अगर विशेष देखा जाए कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, तो कह रहे हैं कि मोटा लड़का, विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, ये हमारा क्या रहा, विशेष। कंफर्म हुआ, विशेषण क्या है, मोटा क्या है, विशेषण, यही तो विशेषता बता रहा है लड़का कैसा है, मोटा है, तो ये मोटा है, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। अब अगर इसमें कहा दिया जाए कौन सा है, कौन सा समास है, कर्मधार है। कंफर्म हुआ। जैसे लिखते हैं, अब देखिए अब आप समझ गए हैं, अब अभ्यास में थोड़ा सा देखिए, जैसे हम लिखे नीलोत्पल, नीलोत्पल ना, अब देखिए कह रहे हैं कि नील, देखिए दो पद है इसमें, एक है नील और दूसरा क्या है, उत्पल, उत्पल, उत्पल माने होता है कमल, कमल कैसा है, नीला, नीला, संबंध कैसा रहा, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है, नीला है, समास कौन सा है, कर्मधार। जैसे कह दें नव वधु, वधु कैसी है, नई है, नई नई वधु है, कौन सा है, कर्मधार समास। जैसे कह दें महावीर, वीर कैसा है, महान है। जैसे कहें कवि श्रेष्ठ है, तो कभी कैसा है, कर्म हुआ। अब सबने समास कौन सा लिया, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आप तब तक नहीं बता पाएंगे, कब तक, जब तक आपको ये विचार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ आपने कुछ बताना है, उसमें विशेषण है, कौन सा विशेष है, कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, आप दोनों में से कोई रिलेशन पा जाइए, चाहे उपमेय उपमान का रिलेशन पा जाइए या विशेषण विशेष का रिलेशन पा जाइए, जो भी रिलेशन आप पा जाइए वहां पे समास कौन सा होगा, कर्मधार है। कंफर्म हुआ सर, मिटाई से आगे देखिएगा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हाँ रहने दें, आगे बताया जाए कुछ, रहने दें, चलिए ठीक है, यहाँ तक कि आप